तो मेरा नाम कुशाल कुमार, ये मारुति सुजुकी अल्टो 800 का टॉप सेलिंग वेरिएंट जो कि BXi प्लस वेरिएंट रहने वाला है। टॉप वेरिएंट है ये। फिर आपको आफ्टर मार्केट वर्क कराने कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर लेकिन एक फीचर ऐसा है कि आपको उसके BXi प्लस वेरिएंट में भी ऑफर नहीं करा जाता है टॉप वेरिएंट होने के बाद भी। तो फिर आपको उस कार के लोअर वेरिएंट की वीडियोस दिखाई दिए, चाहे इसका LXi वेरिएंट हो चाहे इसका BXi वेरिएंट हो। वो LXi वेरिएंट में तो आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। अगर आपको टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए अपनी कार में तो आपको BXi प्लस वेरिएंट में ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे। उनके अलावा भी काफी बढ़िया फीचर्स दिए गए इस वाले वेरिएंट में। 4,57,000 रुपीज के एक शोरूम प्राइस पर आपको वाली कार मिल जाएगी। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना आपकी सिटी में क्या है इस कार का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपकी सिटी का नाम, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। अगर आपको उस कार की कंपैरिजन वीडियो देखनी है एल्टो K10 से, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूं मैं इस कार की फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर में रहने वाला बल्ब, और ये रही ग्रिल इस कार की जो कि ब्लैक कलर में रहने वाली है। सुजुकी का हो गया लोगो जो कि क्रोम में दिया जाएगा आपको, और नीचे साइड होगी रेडिएटर ग्रिल जो कि ब्लैक कलर में रहेगी। फोग लैंप्स की मिल जाएगी सिर्फ आपको इसमें हाउसिंग, फोग लैंप इसके टॉप ब्रांड में भी आपको नहीं दिए जाएंगे। फिर ओवरऑल कुछ सारी लगती है फ्रंट प्रोफाइल, और ये साइड प्रोफाइल इस कार की। 12 इंच के आपको इसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स, 145/80R 12 इंच की प्रोफाइल रहने वाली है। और इंडिकेटर हो गया इस कार के फेंडर पे, चाहे तो कोई सा वेरिएंट ले लीजिए, इंडिकेटर उसके फेंडर पे दिया जाएगा। और ये इस कार का ORVM जो कि ब्लैक कलर का हो गया, ए पिलर हो गया बॉडी कलर का, और ये इस कार का डोर हैंडल जो कि बॉडी कलर में रहेगा। फिर ये कंबाइंड लुक बैक और साइड प्रोफाइल की का, हाई माउंट स्टॉप लैंप हो गया, रियर वाइपर डिफोगर बोर्ड जैसे फीचर आपको उसमें नहीं दिए जाएंगे। वो हैलोजन बल्ब मिल जाएगा आपको उसकी टेल लाइट में। सुजुकी का हो गया लोगो, की लगाने का ऑप्शन कार की बूट को लॉक करने के लिए। एल्टो की होगी बेजिंग, नीचे साइड आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर, कंपेयर करते हैं इसके लोअर वेरिएंट यानी कि BXi वेरिएंट से, तो आपको इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगा, क्योंकि जो मेन डिफरेंस रहने वाला है BXi प्लस वेरिएंट में उस कार के इंटीरियर में रहने वाला है। मैं आपको इंटीरियर में दिखा दूंगा। अगर आप एल्टो 800 CNG में चाहते हैं तो आपको BXi प्लस वेरिएंट में CNG ऑप्शन नहीं मिलेगा। CNG ऑप्शन सिर्फ आपको LXi वेरिएंट में दिया जाता है। 15,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है BXi और BXi प्लस वेरिएंट में। तो एक्सटीरियर तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस जो है उस कार के इंटीरियर में है। तो इस कार में आपको 800cc का इंजन मिल जाएगा जो कि प्रोड्यूस करता है 47 BHP की पावर, 70 Nm का टॉर्क। तो चलिए फिर मैं आपको उस कार का बूट दिखाता हूं, फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको उस कार के बूट में। कार की बूट को अनलॉक करने के लिए आपको यहां पर भी ऑप्शन दिया है, जिसको आप पुल करेंगे तो कार का जो बूट है वो अनलॉक हो जाएगा। पार्शियल ट्रे मिल जाएगी आपको यहां पर, 177 लीटर का दिया जाएगा आपको उस कार में बूट स्पेस, स्पेयर व्हील हो गया यहाँ पर, और टूल किट भी दी जाएगी। तो चलिए फिर मैं आपको उस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको उस कार के इंटीरियर में। और डुअल कलर में रहने वाला इंटीरियर इस कार को, ड्राइवर साइड डोर भी आपको डुअल कलर में दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM तो आपको इसमें नहीं दिए जाते हैं, आपको स्टिक दी जाएगी ORVM को एडजस्ट करने के लिए। डोर नो या सिल्वर कलर का, वाटरप्रूफ के लिए स्पेस आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, लोकल लुक के लिए होगी स्टिक। रेयर में आपको मैनुअली विंडोज मिल जाएंगी, पावर विंडोज नहीं दी जाएंगी टॉप ब्रांड होने के बाद भी, जो कि मुझे इस कार का नेगेटिव पॉइंट लगा। टॉप ब्रांड में तो पावर विंडोज देनी चाहिए थी रेयर में। तो ये रहा इंटीरियर इस कार का। इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको उसमें 7 इंच का, और आपको यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है, पर लेकिन उसी तरह का लगेगा, यहाँ पर आपको वॉइस कमांड के लिए बटन दिया जाता है। तो भी चलिए फिर एक एक फीचर्स को हम इस कार के देखने वाले हैं क्या क्या मिल जाता है आपको। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही। तो किस तरह का स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है आपको, सिल्वर फिनेस, क्रोम कलर मिल जाएगा आपको लोगो, और इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीडोमीटर मिल जाता है आपको यहाँ पर, छोटे साइज की MID, कुछ आपको इसमें अलर्ट लाइट्स मिल जाएंगी और MID मिल जाएगी, क्योंकि उस तरह का लगता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस कार का। और ये रस का ड्राइवर साइड AC वैन सर्कुलर में सिल्वर मिल जाएगा इसे हेडलाइट की बीम के लिए, और यहाँ पर आपको हेडलाइट की बीम और इंडिकेटर के लिए, वाइपर के लिए यहाँ पर AC वैन्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर दो, उनके बीच में आपको हजार लाइट का बटन, 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ वॉइस कमांड के लिए बटन दिया जाएगा आपको यहाँ पर, सिल्वर फिनिश दी गई है यहाँ पर, मैनुअली AC दी गई है, बीच कलर का कॉम्बिनेशन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, USB एंड AUX पोर्ट दिया जाएगा आपको यहाँ पर, फॉर द स्पेस, दो का फोल्डर, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहेगी ये कार, इसका गियर नो कुछ तरह का है। पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, इसके डोर्स में आपको कोई भी पावर विंडो कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, वो बीच कलर का रहने वाला है यहाँ पर। और एरस का को ड्राइवर साइड डोर, बीच कलर एंड बैक का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर भी, डोर ओपनर सिल्वर कलर, वाटर बॉडी के लिए स्पेस नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस दिया जाता है, स्पीकर मिल जाएंगे, को ड्राइवर साइड AC वैन सर्कुलर में सिल्वर, उरेरा स्टार कार्ड ग्लव बॉक्स को इतना स्पेस मिल जाता है आपको, उरेरा सनवाइजर, वैनिटी मिरर आपको उसमें नहीं मिलता है,
ये रहा IRBM, मैनुअली DNA एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगी आपको। ये रहा केविन लैंप हैलोजन में, वॉइस कमांड के लिए माइक यहाँ पर दिया गया है, क्वार्टर सेट का सनवाइजर ये रहा, वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा आपको उसमें, ना ही आपको उसमें टिकट होल्डर, ग्रैब हैंडल, ओरेरिस की को ड्राइवर साइड सीट, इंटीग्रेटेड फिक्स हेडरेस्ट मिल जाता है आपको उसमें, और मैं आपको सीट दिखा देता हूँ, कोई इस तरह की सीट मिल जाती है। इसमें भी आपको ब्लैक कलर एंड बीच कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, फैब्रिक सीट्स रहने वाली है ये। तो भी चलिए फिर कुछ तरह का था इसका फ्रंट सीट पर बैठकर जो भी कुछ आपको मिल जाता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो भी चलिए फिर मैं आपको इस कार की रियर सीट पर चलकर दिखा देता हूँ, फिर कितना स्पेस दिया जाता है आपको वहां पर, जो ड्राइवर सीट अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना लेग रूम है इस कार में। मेरी हाइट 6 फीट है, तो भी कुछ इतना स्पेस मिल जाता है आपको उसकी रियर सीट पे। बैक सीट पर बैठकर कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे आपको यहाँ पर जो कि इंटीग्रेटेड है, और यहाँ पर भी आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे। वो ये रहा बैक डोर, डोर ओपनर सिल्वर कलर, मैनुअली विंडोज, डुअल कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको उसके डोर पे, ब्लैक कलर एंड बीच कलर का कुछ इस तरह की रहती है। फिर इस कार की रूफ, ग्रैब हैंडल दिए जाएंगे आपको यहाँ पर। तो भी चलिए फिर कुछ तरह का था इंटीरियर इस कार का। ओवरऑल जो था इसका काफी छोटा कैबिन है, और इसका टॉप वेरिएंट था जिसमें आपको 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ। और जहां पर ये वॉइस कमांड का बटन दिया गया है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, पर लेकिन आपको इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है। तो ऐसा मैंने देखा उस तरह का था इस कार का बोकरण, जो फीचर आपको उस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर मिल जाते हैं। अगर मैं इस कार को कंपेयर करता हूँ इसके लोअर वेरिएंट यानी कि BXI वेरिएंट से, तो आपको इसमें 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, वॉइस कमांड का फीचर मिल जाएगा, कुछ ऐसे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं BXI प्लस वेरिएंट में, जिनके लिए आपको 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आपको ये वाला फीचर बर्थेड लगता है तो आप इस वाले वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। जो टॉप सेलिंग वेरिएंट भी है वो इसका BXI प्लस वारंटी है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है वो देखने में काफी बढ़िया लगता है, और रिमोट सेंटर लॉकिंग जैसे फीचर्स भी आपको इस कार में मिल जाएंगे। बट जो नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे इस कार में, रियर में आपको पावर विंडोज नहीं मिलती है टॉप वेरिएंट होने के बाद भी, फिर आपको आफ्टर मार्केट वर्क कराकर प्रीमियम पावर विंडोज जरूर लगवानी पड़ेंगी, क्योंकि टॉप वेरिएंट में तो पावर विंडोज होनी चाहिए। तो चलिए फिर आपको इस कार के और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, फिर किसी और कार का बोकरण देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पर देखने के लिए आपका धन्यवाद।